मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक अजीब मामला सामने आया है। 7 महीने पहले मुख्यमंत्री निकाह योजना में हुई शादी का लाभ नहीं मिलने पर दूल्हा दुल्हन के वेश में दंपति कलेक्टर कार्यालय में शिकायत करने के लिए पहुंचे। यह नज़ारा देख हर कोई उनको देखता रह गया। नागजीरी क्षेत्र में रहने वाले दूल्हे नईमुद्दीन का विवाह क्षेत्र में रहने वाली यास्मीन बानो से खकनार जनपद पंचायत क्षेत्र में 21 जून 2023 को हुआ था, लेकिन 7 माह हो जाने के बावजूद भी आज तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, इसलिए वह सरकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन का कहना है कि हमने पंचायत से लेकर तो जनपद पंचायत में शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूल्हे नईमुद्दीन और दुल्हन यास्मीन बानो से जब लोकल 18 की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि 21 जून 2023 को जनपद पंचायत खकनार में मुख्यमंत्री विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत मेरा विवाह हुआ था। हमने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था। हमारा शासन की ओर से विवाह भी संपन्न कराया गया, लेकिन आज 7 महीने हो गए हैं, हमको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जब इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी कलेक्टर वीर सिंह चौहान से बात की तो उन्होंने बताया कि दूल्हा दुल्हन ने योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की है, इसको लेकर जाँच कराई जाएगी। निकाह हुआ था, क्या समस्या जा रही है आपको? हमारे नईमुद्दीन के साथ निकाह हुआ था, हमारे ऊपर राशि मिल नहीं रही। हमारे कहाँ पर हुआ था? खकनार में हुआ था। कितने जोड़ों का एक साथ हुआ था निकाह? 400 जोड़ों का हुआ। तो तुम्हारा भी उसमें भी हुआ? हाँ, उसमें हुआ था। कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। तो आप राशि नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। अब कहाँ पर आए आज शिकायत करने? जीरा कारण कलेक्टर ऑफिस। कलेक्टर ऑफिस में। तुम्हारे पति का नाम क्या है? नईमुद्दीन। कहाँ रहते हो? नागजीरी पे। और आप कहाँ के रहने वाले? हम भी नागजीरी के। नहीं, पहले कहाँ रहते? नागजीरी पे। दोनों नागजीरी के। जनसुनवाई में दो पति पत्नी आए थे, जोड़ा, हम लोग की शादी हुई थी 21 जून 2023 खकनार में। उनका कहना है कि हमको राशि मुख्यमंत्री सहायता की अभी मिली नहीं, लेकिन शादी हुई थी, उसकी हम जांच करवाते हैं वास्तविक क्या स्थिति हो सकता है, पात्र होगा या फिर राशि नहीं दी होगी, इसको जांच करवाते हैं। ठीक है।